हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद तनुजा। आज मैं बैगन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। खट्टी, मीठी, तीखी, चटपटी, वो बहुत अच्छी बनती है। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, आपको भी पसंद आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी सब्जी की। सब्जी बनाने के लिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ बैगन, चीनी, टमाटर, नींबू, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी। बनाती हूँ, बैगन को काट लेती हूँ। बैगन को मैंने धुल लिया था। कढ़ाई गरम हो चुका है। मैंने ये पचफोरन तैयार किया है। इसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी है, इसको मंगरेल भी बोलते हैं ये, और मेथी है। पांच तरह का मैंने तैयार किया है पचफोरन। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे, पचफोरन को डाल देंगे जो मैंने तैयार किया है पांच तरह का मसालों का। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, लहसुन को मैंने काटा नहीं है ताकि देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने नहीं काटा, इसको डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे जो हम काट रखे हैं। और हम बैगन डालेंगे इसमें। अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसमें हल्दी भी डाल देंगे। और भी मसाले जो हम डालना है मुझे, वो भी डाल देंगे हम। इसको मैं डाल दूंगी। ये मसाला तो हम घर ही में तैयार किए थे, सब्जी मसाला बनाए थे, तो वो डाल देंगे। कुटा हुआ लाल मिर्च, ताकि हमारी सब्जी बहुत तीखी, मीठी, चटपटी बनेगी। में आंच पे भून लेंगे। अब इसी में हम जो है टमाटर भी डाल देंगे, ये कटा हुआ टमाटर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि बैगन भी हमारा गल जाए और टमाटर भी गल जाए, अच्छे से मसाला भी मिल जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है, ग्रेवी वाले नहीं बनाएंगे, कम लटपटी सी बनेगी। अब इसको ढक के रख देंगे। बैगन मेरा गल गया है, अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, तो हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसको भी पका लेंगे चीनी के साथ।
देंगे। कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला डालेंगे। सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, खाने में बहुत टेस्टी। आप देख रहे होंगे, ये देखिए जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना हो गया ये। अब इसको हम बंद कर देंगे गैस को। अब इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। धनिया डाल देंगे। मेरी बैंगन की खट्टी मीठी तीखी सब्जी तैयार है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, बैंगन की खट्टी मीठी तीखी सब्जी। और आप भी ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मुझे बताइएगा कैसा बनाया। तो तब तक के लिए बाय।